ओम नमः शिवाय। क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप आप सभी सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई फाइनली ब्रह्मास्त्र देख लिए। हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा लेट हो गया हूँ। यार कारण वही है कि दोस्तों के साथ देखनी थी, तो देखने के लिए उनकी भी छुट्टी नहीं थी, शाम को ही देखनी पड़ी। अब मैं देख कर आ रहा हूँ, रात के समय बना रहा हूँ और रात के समय ही इसे डाल दूंगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसकी डायरेक्टर साहब की, अयान मुखर्जी ने मतलब 8 साल लिए हैं मूवी। 2014 में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और 2014 के बाद जो मूवी के सीन्स हैं बहुत सारे आउटडेटेड लगते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत पहले की सोच है, क्योंकि 2014 में अगर इनका प्रोजेक्ट है तो हो सकता है उससे पहले ही सोचा हो, उस समय की चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। तो बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको देखने में जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड मिलने वाली हैं। कुछ सीन में ये वो बात भी निकाली जाएगी कि अब तो जियो का प्लान बिल्कुल फ्री हो गया है, तो वो तो 1500 में हुआ था, तो वो सीन 1500 में ही इस टाइम जो शूट किया गया होगा, तो उस समय का वो सीन भी दिखाया गया। दूसरा, इसके अंदर भाई फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो आपको सीन मिलने वाला है शानदार मिलेगा, उसे मिस मत करना अगर आप देखना ही चाहते हो तो। सबसे पहली राय दूंगा 3D में देखना, ठीक है, अगर मूवी देखना तो। अब मैं ये जो बात बोल रहा हूँ देखना तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं अब रिव्यू देने वाला हूँ उसका, तो उसके बाद हो सकता है बहुत लोग ना देखें, हो सकता है बहुत लोग देखने के लिए उत्सुक हो जाएं। तो सबसे पहले बात करता हूँ इसके पॉजिटिव की। तो देखो पॉजिटिव क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग मार्वल की मूवी और DC की मूवीज देखते हैं और उनके वहाँ पर VFX पसंद आते हैं, तो इसके भी VFX बिल्कुल अप टू मार्क हैं और आपको पसंद आएंगे और देखने में आपको मज़ा भी आने वाला है। 410 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो वो दिखता भी है कि हाँ वो 410 करोड़ कहाँ खर्च हुआ है, वो साफ साफ दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसके एक्शन की। तो देखो एक्शन जो इसके अंदर सीन मिलने वाले वो हद 5 से 6 मिलने वाले, लेकिन जो 5 से 6 एक्शन सीन है वो बिल्कुल अपने आप में फाइन है, उससे बढ़िया एक्शन सीन्स नहीं हो सकते थे। अब यार आप लोग ये बोलोगे कि यार सुमित ये बता कि तू तो कह रहा है कि 5 से 6 सीन है, तो ये 2 घंटे 47 मिनट की मूवी है, लगभग 3 घंटे के आसपास की मूवी, फिर इसमें है क्या? भाई इसके अंदर है लव स्टोरी। इस बंदे के पास जो पावर है, हमारे रणबीर कपूर के पास जो कि शिवा का करेक्टर निभा रहे हैं, तो उनके पास जो पावर है वो बिना प्यार के एक्टिवेट ही नहीं होगी, अगर प्यार है तो ही एक्टिवेट होगी। तो ये शुरू से एंड तक सिर्फ प्यार के चक्कर में प्यार 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 प्यार, और ये प्यार का चक्कर क्यों पड़ा समझ रहे हो? प्यार का चक्कर मतलब लड़की का चक्कर, बाबू भैया समझे, तो ये चक्कर पड़ा है तो हमारे धर्म प्रोडक्शन की वजह से। क्या हुआ होगा, आर्यन मुखर्जी हैं वो स्क्रिप्ट लेके गए होंगे प्रोडक्शन के पास कि सर ऐसा मूवी बना रहा हूँ ये वो, आप हमें प्रोड्यूस कर दीजिए। बोला ठीक है ओके। उन्होंने देखा होगा जितने भी अस्त्र हैं उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि इस अस्त्र का ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने बोला होगा कि भैया ऐसा सुन मेरी बात, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जनता है बेवकूफ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं जानना चाहेगा अस्त्र का, एक काम कर इसके अंदर लव एंगल डाल। लव एंगल डालेगा तो जितने भी लड़का लड़की प्रेमी हैं युगल सारे के सारे देखने आएंगे। तो वो बोला ठीक है, मजबूरी होगी उसकी भी यार कि भाई इतनी बड़ी पेट की मूवी बना रहा हूँ, ये अगर नहीं मुझे प्रोड्यूस करेंगे तो फिर कैसे चलेगी, मान गए होंगे। उसके बाद फिर दूसरी बार ये कहोगे सर इसके अंदर मैं कुछ नया भी डालना चाह रहा हूँ, वो पूछे वो क्या नया डालना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर जो हमारे नंदी अस्त्र हैं और जो हमारे ये बानर अस्त्र हैं और जो प्रभा अस्त्र हैं मैं इन्हें खुलकर दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी बात सुन मेरे भाई, इन्हें खुल के दिखाने की जरूरत नहीं है, नंदी अस्त्र को जल्दी खत्म करो, बानर अस्त्र को सिर्फ 10 मिनट दो खत्म करो इसके अंदर। फिर बोले सर क्या होगा? बोले इसके अंदर डालो प्यार। बोले क्या? बोले पूरी की पूरी लव स्टोरी डालो शुरू से एंड तक, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की है, शुरू से स्टार्ट करो, छोटा सा सीन दिखाओ फाइट का, उसके बाद एक काम करो लव दिखाओ कम से कम 20 से 30 मिनट, उस 20-30 मिनट में एक गाना डाल दो ओके। बोले उसके बाद फिर से 5 से 10 मिनट का एक सीन दिखाओ फाइट का, उसके बाद फिर से स्टोरी शुरू करो, फिर से एक गाना डाल दो, फिर जो है लास्ट में जो है अगर इंटरवल आने वाला होता उससे पहले एक छोटा सा फाइट सीन दिखा दो और वहाँ पर जो है खत्म कर दो। अब अगले हाफ में स्टार्टिंग करो तो उसमें जो है सिर्फ दिखाओ कि इसकी शिवा की पावर्स कैसे आएंगी, ये भी अपना ऑपरेट कैसे करेगा, तो इसके बाद क्या क्या पावर्स हैं उस टाइम, तो उसने वो अपनी पावर्स जानी है। बोले ठीक है जी ऐसा कर लेते हैं। बोले उसके बाद फिर एक गाना डालो ठीक है जी, उसके बाद बताओ उसे कि बिना प्यार के बिना लव एंगल के ये आप इस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते अपनी शक्तियों को। बोले ठीक है जी, उसके बाद करते 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 हम ये लगा लीजिए लास्ट में भी, बिल्कुल लास्ट का जो सीन है उसमें भी प्यार का एंगल घुसा ही दिया। सबसे बड़ी जो मुझे गलत चीज़ लगी, बोले ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति को रणवीर कपूर की जो शिवा एज शिवा करेक्टर कर रहे हैं जिनके पास एक अग्नि अस्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र को पराजित कर गया, इन द सेंस कि जो ब्रह्मास्त्र की शक्ति है उसे उसने हरा दिया एक तरह से। कैसे हो सकता है यार, कुछ भी दिखा रहा हो ऐसा मत करो भाई,
ऐसे तो जितने भी लोग बाग बाइकआउट करने के लिए कह रहे हैं या फिर लोग जो हताश बैठे हुए हैं वो तो फिर से नाराज जाएंगे ना कि वो तो कमियां ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। अब जो इंसान कमियां ढूंढ रहा है आप मौका दे रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है वो तो कमियां ढूंढ के निकल जाएगा। दूसरा जो आप सीन्स हैं जो जूते पहन कर जो सीन्स थे मंदिर के अंदर वो भी काट दिए, क्रॉप कर दिए भाई, करने थे क्रॉप क्योंकि लोग बाग देख रहे थे कैसे। अब इतने ज़्यादा हाइप बन गई थी कि मंदिर में जूते के साथ एंट्री ले ली, घंटी बजा दी, आपने क्रॉप ही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो अब मैं बात करता हूँ इसकी पॉजिटिव की, सबसे मेन VFX शानदार है, एक्शन सीन अच्छे खासे मिलने वाले हैं, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत शानदार एक्टिंग की है, बहुत अच्छी भाई उनकी आवाज़ की बात है, का जितना भी एक्ट है उनके एक्शन और उनकी आवाज़ तो उन्होंने पूरा का पूरा संभाल लिया। नागार्जुन का एक्ट बहुत अच्छा रहा, शाहरुख खान ने शुरू के 10 मिनट आए वो पर लेकिन बहुत शानदार काम किया, मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि उन्होंने जो है 10 मिनट दिए पर लेकिन अच्छे दिए, सही भी बात है क्योंकि बाकी सब मूवी तो फ्लो पे जा रही हैं, तो अब एक मूवी में अगर अच्छा खासा साइड एक्टर के रोल में भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन विलन कौन रहने वाला ये नहीं पता भैया, क्योंकि वो जो मेन विलन है वो अगले पार्ट में, उसका पार्ट का ही नाम है देव, जो कि अगला जो विलन रहने वाला है अभी किसको नहीं पता। दूसरा मोनी रॉय है, उन्होंने कैसा काम करा था भाई, उनका भी काम ओके में ज़्यादा बहुत बेहतरीन नहीं है, सही है ओके। उसके बाद रणवीर कपूर और आलिया की एक्टिंग मुझे इस बार थोड़ी सी डिसअपॉइंट लगी, मुझे ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगी, रणवीर कपूर ने अच्छा काम किया है। अगर बात करें इनके लव एंगल की तो लव एंगल भी ठीक ठाक, मतलब वही वाली बात है, 14 से लेकर 2022 तक उन्होंने मूवी शूट किया, उन्होंने सोचा एक काम करो यार 8 साल तो एक पार्ट लगाने में कर दिए, अब इतना लव एंगल डालोगे किसी सीन में डालोगे तो भाई प्यार तो हो ही जाएगा, उन्होंने इस चक्कर में शादी भी कर ली, बच्चा होने वाला है, अब अगले पार्ट की शूटिंग करोगे अगर ये मूवी हिट हुई तो अगले पार्ट की शूटिंग करोगे वो भी 24-25 से पहले नहीं लेकर आओगे, फिर अगले पार्ट की शूटिंग करोगे अगर वो हिट हुई तो 2030 तक का प्लान था यार, उन्होंने सोचा 2014 से लेकर 2030 तक 16 साल काटने एक साथ ही रहना, आधी जिंदगी तो कट जाएगी यहीं, तो एक काम करो शादी कर लो, उन्होंने भैया पटड़े खत्म कर दिया, शादी करके टेंशन खत्म। तो ये तो कुछ भाई इस मूवी की बात थी, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो इस मूवी के अंदर है क्या भाई, देखना कि नहीं देखना है, देखो मेरी बात सुनो, इस मूवी को आप देख सकते हो अगर आप VFX को और एक्शन के और अच्छी खासी फैंटेसी देखना चाहते हो वो भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वन टाइम वॉच है, जरूर देखो, ऐसी बात नहीं कहूँगा कि मत देखो, बाकी अगर आपका अंदर से मन ये आ रहा है कि यार क्या करेंगे छोड़ो, अगर अंदर से आ रही है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ओटीटी पाएगी तब देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसे नहीं देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत बड़ी कुछ चीज़ मिस कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी देखो इसे अगर मूवी को स्टार देने की बात करूं तो मैं 2.5/5 रेटिंग दे पाऊंगा, इससे अगर मैं नहीं दे पाऊंगा, बाकी मैं ऐसे ही शानदार मसाले डाल रहता हूँ फंडू मसाला पर, फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।